नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मे बी यूट्यूबर की एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए लाए हैं मारुति सुजुकी डिज़ायर का टूर मॉडल। ये आपका सीएनजी वेरिएंट है 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ। ये कुछ इस तरीके का आपको इसमें फ्रंट फेस मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया। इसमें ब्लैक कलर में ग्रिल मिलती है, सराउंडिंग आपको सर्टन सिल्वर फिनिश में आपको सराउंडिंग मिलेगी। ये आपका सेंटर में सुजुकी का लोगो आ जाता है। ये कुछ इसका ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है गाड़ी का इस तरीके का। आपको इसमें हलोजन बेस रिफ्लेक्टर बेस आपको इसमें बल्ब मिल जाएगा, जो आपका लो हाई बीम इसी में काम करता है। ये इंडिकेटर बल्ब आ जाएगा इसका, पार्किंग बल्ब इसमें ऊपर की तरफ मिल जाता है। फॉग लैंप की हाउसिंग में आ जाती है सर्टन सिल्वर फिनिश के साथ। बहुत ही बेहतरीन रोड प्रेजेंस और एरोडाइनमिक कार है। सबसे ज़्यादा ये आपकी टैक्सी में चलती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी। ये आपकी एक कॉम्पैक्ट सेडान है जो आपकी अंडर 4 मीटर में आती है। इसमें आपको क्लैडिंग तो नहीं मिलेगी साइडों में, पूरा आपको बॉडी कलर मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन लुक ऑफर करती है। ये आप इसकी साइड प्रोफाइल देख पा रहे हैं, वही आपको इसमें 3995 mm की लेंथ मिल जाती है, अच्छी खासी चौड़ाई मिल जाती है 1765 के समथिंग। इसमें आपको स्टील व्हील मिलेंगे, इसके साथ आपको व्हील कवर मिल जाएंगे। ये आप इसका पेट्रोल टैंक और ये सीएनजी फिल कराने का ऑप्शन देख पा रहे हैं। ये इसकी डिटेल आ जाती है सीएनजी की। साइड डोर हैंडल आपको इसमें ब्लैक आउट मिलेंगे, मिरर भी आपको ब्लैक मिलेगा, यूज़ मिरर मिल जाएगा। इंडिकेटर आपके इसके फेंडर पे आ जाते हैं, ये आपका पोलर वाइट कलर है। ये इसके नॉर्मल वाइपर और वॉशर आ जाते हैं, सीएनजी की ब्रांडिंग आ जाती है ऊपर। यहीं से आप देख के समझ सकते हैं कि ये सीएनजी वेरिएंट है। ये इसमें इसका बेस मॉडल है जो काफ़ी अच्छी खासी लो बजट में मिल जाता है आपको। ये बिल्कुल इसका स्टार्टिंग का मॉडल है जो शोरूम आपका 7.5-8 लाख कॉस्ट करता है, 7.5। ऑन रोड आपको 8-8.5 तक पड़ जाता है। ये आप देख पा रहे हैं रियर से कुछ इस तरीके का लुक ऑफर करती है, बहुत ही बेहतरीन लुक मिल जाता है रियर में। अच्छा खासा इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी डीप। ये इसका डिपार्चर एंगल आ जाता है, रियर में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, 4 आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। ये क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है, बहुत ही बेहतरीन। सुजुकी का लोगो आ जाता है सेंटर में, 2S की बैजिंग आ जाती है। ये आपका स्पेशल वेरिएंट है जो टूरिंग के लिए आता है। ये इसके हेडलैम्प यूनिट आ जाती है बल्ब बेस, इंडिकेटर आपको बल्ब बेस मिल जाता है, लाइट आपकी LED मिल जाएगी ये वाली। इस तरीके का आपको कुछ मिलता है इसमें। ऊपर की तरफ ये माइक्रो एंटीना आ जाता है इसमें, डिफॉगर इसमें नहीं ऑफर किया गया है। सीएनजी की बैजिंग रियर में ग्लास पे मिल जाती है, फ्रंट में भी। ये इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है, कुछ इस तरीके का ये ग्लो करता है, बहुत ही बेहतरीन। काफ़ी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ आ जाती है, ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मिलती है इसमें आपको, ज़्यादा बेहतर तो नहीं। ये आप साइड से इसका लुक देख पा रहे हैं। ये आपका स्पेशल टैक्सी मॉडल आता है इसका, कुछ इस तरीके का लुक ऑफर करती है आपको ये। अभी काफ़ी ज़ोर से हवा चल रही है तो शायद नॉइस आपको पता लगे। आगे से काफ़ी स्मार्टी सा लुक आता है इस कार का, काफ़ी प्यारा सा, जैसे आप देख पा रहे हैं। चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। ये आपको इसमें सेंट्रल लॉकिंग के साथ आती है, कोई सेंसर नहीं मिलेगा इसमें आपको। पहले इसके लाइट्स ऑफ कर देते हैं। इस तरीके की आपको इसमें डोर ट्रिम मिल जाएगी बेज कलर में, इसमें आपको सिंगल कलर मिलेगा बेज कलर। डोर हैंडल भी बेज कलर में मिल जाता है, ये आपको थोड़ा इंसर्ट मिल जाता है डोर ओपनर का। विंडोज़ इसकी नॉर्मल मिलती हैं आपको, क्योंकि आपका बिल्कुल ये बेसिक मॉडल है, इसे आप बाद में बाहर से मार्केट से लगवा सकते हैं, सेंट्रल लॉकिंग और इसकी पावर विंडो वगैरह। ये इसके डोर पॉकेट आ जाती है 1 लीटर बॉटल स्पेस के साथ। ये स्पीकर आ जाता है इसका, ये इस तरीके का आपको इसका इंटीरियर मिलेगा, पूरा बेज सिंगल कलर में आपको इंटीरियर मिलता है। काफ़ी एयरी कैबिन महसूस होता है इसका, काफ़ी अच्छी खास है। ब्लैक डैशबोर्ड मिल जाता है आपको, काफ़ी तेज़ हवाएँ चल रही हैं। ये इसकी सीट्स आ जाती हैं डिक्लाइन एंगल और रीच एडजस्ट के साथ, टायर प्रेशर वार्निंग आ जाती है।
जिसमें ट्रैक्शन ऑन ऑफ के ऑप्शन मिल जाता है, फ्यूल सीएनजी कन्वर्ट करने का स्विच आ जाता है, हेडलाइट लेवलर आ जाता है, स्टैंडर्ड पेडल मिल जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं पूरी वाइट बेज और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन मिलता है। डी कट में आपको स्पोर्टी स्टीयरिंग मिल जाता है। ये आपको इसका सेंटर कंसोल का लुक मिल जाता है कुछ इस तरीके का, सिंपल सर्टन सा लुक मिलेगा आपको इसमें। ये इसका स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, इसमें कोई रैप नहीं मिलेगा ना कवर मिलेगा, आप लगवा सकते हैं एक्सेसरीज में। सेंटर में सुजुकी का लोगो आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन। डबल इसका हॉर्न मिल जाता है, ये आपको बिल्कुल सिंपल मिलेगा, कोई इस पर कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, बेसिक वेरियंट है आपका। ये इसका सिंगल आपको टैको स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिसमें सिर्फ ये स्पीड शो करता है और साइड में थोड़ी वार्निंग्स आ जाती हैं कार की। नीचे छोटी सी MID मिल जाती है, इसमें फ्यूल लेवल वगैरह आपका शो करता है। ये इसके AC वेंट्स आ जाते हैं नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल लुक में आपके AC वेंट्स आते हैं, कोई इसमें सराउंडिंग में क्रोम वगैरह नहीं मिलेगा। इस तरीके का आपको इसमें दो की मिल जाती हैं इस तरीके की, जो मैन्युअली आप इसे लगा सकते हैं। स्टेयरिंग आपका टिल्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक वे में नहीं एडजस्ट होता है। ये AC के वेंट्स आ जाते हैं सेंटर में, ये आपको थोड़ा यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाता है। ये इस तरीके का आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है इसमें ठीक ठाक स्पेस के साथ, ये AC वेंट्स आ जाता है। ये आपका IRBM आ जाता है जो बिल्कुल नॉर्मल है, डे नाइट IRBM नहीं मिलेगा आपको इसमें। ये इसके सन होल्डर आ जाते हैं, ये इसका सन होल्डर आ जाता है, बिल्कुल बेसिक मॉडल है आपका। स्पीकर सिस्टम भी इसमें नहीं मिलेगा, आप इसमें बाद में एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं। AC इसमें आपको ऑफर किया गया है बेसिक मॉडल में, मैनुअल AC मिल जाता है, काफ़ी सही चीज़ है। नीचे की तरफ 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाता है, ये कुछ स्पेस आ जाता है, बॉटल स्पेस आ जाता है इसमें। ये इसका गियर लीवर आ जाता है, 5-speed मैनुअल, आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा इसमें, हैंड ब्रेक इस तरीके का आता है बेज कलर में, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी ग्रैब हैंडल आपके एडजस्टेबल आ जाते हैं, फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेंगे आपको इसमें पूरी कार में, ड्राइवर के और रियर भी आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। अगर आप एक कार लेना चाहते हैं टैक्सी पर्पज़ से तो बहुत ही बढ़िया कार है, क्योंकि आपको ये काफ़ी अच्छे खासे बजट में ऑफर की जाती है। ठीक ठाक आपको इसमें सिस्टम मिल जाते हैं जो ज़रूरत के हैं। चलते हैं बैक सीट्स पर, चेक कर लेते हैं बैक सीट का स्पेस, इसे अनलॉक कर लेते हैं पहले। रियर डोर भी आपको बिल्कुल सिंपल मिलेगा बेज कलर में, ये इसका सीटिंग स्पेस आ जाता है रियर का। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती हैं, फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, सीट्स की क्वालिटी तो अच्छी खासी है। हेडरेस्ट आपको इसमें फिक्स मिलते हैं, पीछे कुछ जगह मिल जाती है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट ऑफर किया गया है इसमें, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, आप बेंच टाइप फोल्ड कर सकते हैं इसको। बैठ के चेक कर लेते हैं स्पेस, सीट का रिक्लाइन एंगल तो बहुत ही बेहतरीन है इनका, ये एक सेडान कार है तो बहुत ही बेहतरीन आपको रियर और फ्रंट स्पेस मिल जाता है अच्छा खासा। ये लेग रूम देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन लेग रूम मिल जाता है, ये कुछ आपको स्पेस मिल जाता है। ये साइड में आप देख रहे हैं कुशनिंग मिल जाती है, जो थर्ड पर्सन बैठेगा उसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कंफर्टेबल रहते हैं इसमें दो बंदे। ये आपकी 5-seater कार है, 2 adult और 1 child के लिए रियर में। 3.0 सीट बेल्ट्स मिल जाती है, ABS EBD ऑफर करती है आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है कार आपको, जो कि स्टैंडर्ड है। ये आपका BS फेस 2 वाला मॉडल है। बूट आपको चेक करा देते हैं, बूट इसका आई थिंक अंदर से ही ओपन होता है, बूट को ओपन करने के लिए लीड दी गई है। ये इसकी फ्यूल और बूट लीड मिल जाती है, यहीं से आपका बूट ओपन होगा, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये टूर में चलेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसमें CNG का पीछे सिलेंडर दिया गया है, 14 liter का सिलेंडर है, 8 kg के समथिंग इसमें CNG आ जाती है। पूरी बढ़िया फिटिंग के साथ आपको टूल किट मिल जाती है इसकी, देख पा रहे हैं आप। ये कुछ थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है क्योंकि स्टैंड पे लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से वेल कवर्ड मिलता है आपको। नीचे स्पेयर टायर मिल जाता है सेम साइज़ का स्टील व्हील में ही, काफ़ी अच्छी खासी आपको इसमें कवरिंग मिलेगी। इसके ऊपर कोई कवर नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा गर्म वगैरह होता है, कोई दिक्कत नहीं।
ब्रेजा में ये कवर करा हुआ है कंपनी ने। ये कुछ स्पेस मिल जाता है आपको, लगेज इसमें आ जाता है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऊपर आपको कवरिंग इसमें नहीं मिलेगी, ये आप बाद में लगवा सकते हैं इसको। ये था कुछ इस कार का वॉक अराउंड डिटेल रिव्यू। ये आपका टूर मॉडल था जिसको आपने एक्सप्लोर किया। ये आपका टैक्सी मॉडल है, इसे कोई कमर्शियल यूज़ के लिए ही लेता है कार को, क्योंकि अच्छा खासा एवरेज ऑफर कर देती है आपको, बहुत ही बेहतरीन आपको एवरेज दे देती है। एक बार इसका आपको इंजन बे खोल के दिखा देते हैं, टायर सेक्शन भी दिखा देते हैं आपको। टायर सेक्शन इसमें आपको मिल जाता है 165/80R14 का, इसमें टायर सेक्शन मिलेगा। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ऑफर की गई हैं। ये इसका सस्पेंशन ट्रेवल आ जाता है, अच्छा खासा सस्पेंशन ट्रेवल मिलता है। ये ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है, बहुत ही सही ग्राउंड क्लियरेंस आता है डिज़ायर का, कहीं गाड़ी लगती नहीं है नीचे 180-185 mm के समथिंग। रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, और इसका बोनट खोलने का ये आपको लीड देख पा रहे हैं, इसे आप पुल करेंगे तो इसका बोनट ओपन हो जाता है। देखते हैं बोनट के अंदर। ये इसका आपको नीट एंड क्लीन काफ़ी इंजन भी मिल जाता है, काफ़ी क्लीन। ये आपका है CNG वाला मॉडल, पेट्रोल प्लस CNG। ये इसकी यूनिट्स मिल जाती हैं सभी, ये कुछ आप देख पा रहे हैं। नीचे आपको कवरिंग दी गई है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे आपके कार में चूहे वगैरह नहीं घुस पाएंगे जल्दी से। तो ये था मारुति सुजुकी डिज़ायर 2023 मॉडल, इसका आपने फुल डिटेल वॉक अराउंड देखा। इसी प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।